सुबह थोड़ा जल्दी उठ गया था और मैं सुबह का तो ब्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि आज संडे है और संडे का दिन में हम लोगों का इधर बाजार लगता है, तो उतना कुछ था नहीं खास खास दिखाने के लिए। तो मैं अभी से ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ और अभी मैं नहा धो करके एकदम फ्रेश हो गया हूँ और मैं तो नहा के तैयार हो गया, लेकिन और किसी को नहा लेने ले जाना है। अभी देखते हैं वो कौन है, चलिए दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि गाड़ी बहुत गंदा हो गया था। अभी मैं कुछ भी यार जाके आया, हैमिल्टनगंज जाके आया, तो 1000 किलोमीटर का एक राइड था, तो उसके बाद गाड़ी बहुत गंदा हो गया। ऐसे तो देखने पर पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसे बहुत गंदा हो गया गाड़ी, तो इसको ही वॉशिंग करने के लिए जा रहा हूँ। चलते हैं, मिलते हैं आप लोग माल बाजार में, क्योंकि गाड़ी का वॉशिंग मैं माल बाजार से ही करवाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर अच्छा से वॉशिंग होता है और गाड़ी का मतलब कि जो भी कीचड़ वगैरह सब कुछ है वो सब एकदम गंदगी पूरा निकल जाएगा। माल बाजार में बहुत बढ़िया वॉशिंग करता है, तो मैं टोटल वॉशिंग का प्रोसेस आप लोगों के साथ आज शेयर करता हूँ। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं माल बाजार में, क्योंकि मेरे पास गोप्रो का सेटअप नहीं है, इसलिए मैं रास्ता का ब्लॉग नहीं दिखा सकता। ये मेरा मॉम डैड, मैं मॉम डैड का नाम लेकर के इस घर से बाहर निकलता हूँ। तो अभी फिलहाल हेलमेट पहन लेता हूँ। तो अभी फिलहाल कुछ लेने के लिए रोड पे आके रुका हूँ दुकान पे, अभी इधर से ही जाना है। चलिए मिलते हैं फिर माल बाजार में एक बार में। अभी मैं हूँ डामनिम पेट्रोल पंप में, यहाँ पर गाड़ी का पेट्रोल थोड़ा भरवा लेते हैं। बल्कि गाड़ी में पेट्रोल था, फिर भी थोड़ा भरवा लेता हूँ। 100 तो अभी मैं आ गया हूँ माल बाजार वॉशिंग सेंटर में, मैं जहाँ से गाड़ी वॉशिंग करवाता हूँ। तो मैं रैंप पे चला दिया गाड़ी, अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है वॉशिंग करने में। मैं वॉशिंग का प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और ये है ये वॉशिंग सेंटर का बोर्ड, वहाँ पर नंबर दिख रहा है आप लोगों को। तो अभी वॉशिंग शुरू हो गया है, तो यहाँ पर पहले केमिकल स्प्रे हो रहा है, उसके बाद वॉशिंग स्टार्ट होगा। गाड़ी ये पूरा रैंप पे उठ गया है और दो आदमी मिलके वॉशिंग कर रहे हैं एक बाइक को। दो आदमी छोड़ेंगे। अभी बाइक का हालत क्या है और वॉशिंग करने के बाद क्या हालत होगा। ये और एक केमिकल लग रहा है, सेकंड स्प्रे, इसके वजह से आपका मतलब गाड़ी का जो साइन है
वो बरकरार रहेगा। इसके बाद होगा फोम वॉश। यहाँ पर वॉशिंग चल ही रहा है और मैं इस जगह का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप लोगों को आना होगा तो ये नंबर पे फ़ोन करके आप लोग आ सकते हैं। पूरा पानी उड़ रहा है। ये केमिकल वॉश हो गया, अभी अभी केमिकल का वॉशिंग चल रहा है। इसके बाद फोम लगेगा। देखिए अभी पूरा स्नोफॉल हो रहा है। कंप्लीट हो गया, अभी निकल रहे हैं। तो अभी हम यहाँ आए हैं मिठाई के दुकान में, निर्मल में कुछ खाने के लिए। देखते हैं, तो मैं तो एक समोसा लिया और एक रसगुल्ला लिया। ये है दुकान, तो खाते हैं फिर बात करते हैं। और एक दही भी लिया हो। खाना हो गया, अभी चलते हैं इधर से। और ये है मिठाई का दुकान न्यू मॉल में, और बाइक के साइन दे रहा है। ये है, ये ओदलाबाड़ी फ्लाईओवर के ऊपर मैं रुका, और यहाँ से नज़ारा देख लीजिए, बहुत ही सुंदर है। ये नया फ्लाईओवर बनने के बाद जगह और भी बेहतर लगने लगा। तो अभी हम पहुंच गए घर। अभी खाना वाना सब खाते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ बात करते हैं। तब तक के लिए नहीं था, मैं वापस आ गया घर में। तो आज का दिन ख़त्म हो गया, अभी देखते हैं कल क्या करने का प्लान है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, एक शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।